नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हम आपके सामने एक ऐसे डॉक्टर या मैं यूं कहूं कि एक ऐसे शख्स को लेके आई हूं जो कि शारीरिक किसी भी समस्या का एक बहुत ही बेहतरीन इलाज देने वाले, सिर्फ भारत में ही नहीं देश विदेश में इनके चर्चे और इनसे इलाज करवाने वाले लोगों की तादाद काफ़ी बड़ी है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जेके जैन साहब की, जो कि शारीरिक विकृतियों को सुधारने में और लोगों की ऐसी समस्या जो कि चाहे बचपन से हो चाहे बड़े होने के बाद उनका निवारण करने में एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। सर, एक बीमारी जिसे हम सेरेब्रल पल्सी कहते हैं, CP, इसको हम आम भाषा में लोगों को कैसे समझा सकते हैं, क्या होती है ये बीमारी, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी बीमारी होती है जो जन्म के समय बच्चा है तो रोया नहीं है, जन्म से बहुत पहले पैदा हो गया है, गंदा पानी पी लिया है, तेज पी लिया हो गया है, बुखार आ गया है उसको, चलना फिर बहुत सारी इस तरह की समस्याएँ आ जाती हैं, तो उससे मस्तिष्क का जो विकास होता है वो नहीं हो पाता है और मस्तिष्क का विकास नहीं होता, मस्तिष्क क्षतिग्रस्त भी हो जाता है। उसकी वजह से जितनी समस्याएं आती हैं तो इन सभी समस्याओं के ग्रुप को सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। तो सेरेब्रल मतलब ब्रेन होता है, पॉलिसी मतलब पैरालिसिस, मतलब ब्रेन की पॉलिसी। उसके अंदर ऐसे बच्चों में बैठना, उठना, देखना, सुनना, समझना, बार बार झटके आना, बार बार बीमार पड़ना, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं जो कि जन्म के समय से ही शुरू हो जाता है जी। और ये अक्सर जो ब्रेन क्षतिग्रस्त होता है वो जन्म के पहले या जन्म के पश्चात 3 साल की उम्र तक कोई भी कारण से जो ब्रेन क्षतिग्रस्त होता है उन सभी के ग्रुप को ही सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो सर ये क्या मतलब पैदाइशी बचपन से ही हो जाता है, क्योंकि ये मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, तो ये कब से शुरू होता है? बेसिकली हमारा पूरा शरीर जो होता है वो ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होता है और ब्रेन का जो कंट्रोल से सेरेब्रल पाल्सी में हम लेते हैं वो जन्म के समय लेते हैं और उसके जो कारण होते हैं या तो माँ के पेट में या जन्म के समय या जन्म के पश्चात, जैसे बताया मैंने पहले ही बताया कि गंदा पानी पी गया, तेज बुखार आ गया, पीलिया हो गया, चोट लग गई, इन्फेक्शन हो गया, कोई जेनेटिक बीमारी है उसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएँ, तो ये सब वजह से जो होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो शरीर की जो मांसपेशियाँ होती हैं उस पर नियंत्रण ब्रेन का कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा इम्पल्स ब्रेन से निकलने लगते हैं जी। तो या तो शरीर की मांसपेशियाँ बहुत ढीली हो गई या बहुत सख्त हो गई या अजीब ढंग से वो काम करने लगती हैं जिससे बच्चे का अपना नियंत्रण नहीं रहता है, तो जन्म के समय से ही होगा। लेकिन जो जन्म के समय बच्चा तो कुछ करता नहीं है, जैसे 1-2 महीने पर बच्चे गर्दन रोकना शुरू करते हैं, बैठना 6 महीने पर शुरू करते हैं, खड़े होना 11 महीने पे, चलना फिरना 12 से 15 महीने के बीच में, तो वो सब चीज़ें या तो लेट हो जाती हैं या होती ही नहीं है। अच्छा, तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसके साथ में और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सर, कहा जाता है कि हर बच्चे में अलग अलग तरह के लक्षण दिखते हैं सीपी के, तो कई लोगों में तो इसको लाइफ टाइम केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कब से ये लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं? देखिए, समस्या तो बर्थ के समय से शुरू हो गई, तो बर्थ के समय तो सामान्यतः आपको समझ में अक्सर बहुत कम ही लगता है, लेकिन हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि कुछ चीज़ें जैसे मिल गई हमको, जैसे उसमें गर्दन नहीं रोक पाता है बच्चा, माँ को देख के पहचान नहीं पाता है, सोशल स्माइल नहीं है, और कमर नहीं उठा पाता, बैठना अपने समय पे नहीं आया, आवाज़ मुँह से निकलना नहीं आ पाता, लार टपक रहे हैं, तो स्थिति तो शुरू दिन से हो जाती है, लेकिन सेरेब्रल पाल्सी एक ही परमानेंट सिचुएशन होती है बच्चे के लिए वो, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी समस्या बहुत नगण्य होती है, बहुत हल्की फुल्की होती है, बहुत गौर से देखेंगे तभी पहचान पाए, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि कभी बिस्तर से उठ भी नहीं पाते हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग हम सही ढंग से मैनेज करते हैं तो 80% बच्चे माने अपना काम कर सकते हैं। अच्छा। 20% बच्चों में से 10% बच्चों में सहारे की जरूरत पड़ती है, 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हम बहुत कुछ कर नहीं पाते, उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज होता है जी। तो समस्याओं का बहुत ज़्यादा वो विस्तार होता है, माने बहुत मिनिमम समस्या से लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या और रहेगी जीवन पर्यंत। अच्छा। लेकिन बच्चे
जिनकी समस्याएं कम है वो आत्मनिर्भर भी हो जाते हैं, सामान्य बच्चों की तरह काम भी कर सकते हैं। अच्छा सर, कौन सी सीपी के कौन से टाइप ज़्यादा मतलब डेंजरस होते हैं? जैसे एक होता है स्पास्टिसिटी, डिक्सेनिया, अटॉक्सिया, तो इनमें से सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सा होता है, आप लाइन वाइज बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि सभी को जानना ये ज़रूरी है कि सर्बल पासी जो प्रकार आपने बताया सही बताया जी, उसके लक्षण कैसे होते हैं जी। जैसे स्पास्टिक सर्बल पासी होगा तो उसमें बच्चों में टाइटपन होता है, हाथ पर सब टाइट थोड़ा सा रहते हैं, और वो टाइटपन जो होता है वो बच्चा सो रहा है, जग रहा है, उसकी अवस्था लगभग एक जैसी होती है। वही डिस्काइनेटिक देखा जाए तो डिस्काइनेटिक में कई सारी होती है, एक एथोटाइट होता है, एक डिस्टोनिया होता है। एथोटाइट में क्या होता है, वो बच्चा अपना हाथ पैर थोड़ा सा घुमाता रहता है, और डिस्टोनिया में क्या हुआ कि जब वो काम करने लगता है तो पूरा शरीर टाइट कर लेता। अच्छा। ऐसे या गर्दन घूम लिया या पैर अकड़ गए तो सही ढंग से वो पैर रख नहीं पाता है। जो एटैक्सिक सर्बल पाल्सी होता है वो क्या होता है कि शरीर का संतुलन नहीं होता, जैसे आप देखे होंगे अल्कोहल कोई पी ले तो शरीर का संतुलन खत्म हो जाता है, बैलेंस नहीं होता, तो उसको जमीन पे नहीं पता रहता कि हम पैर कहाँ पर रख रहे हैं, तो जमीन पे पैर उठा थप से मारता है, तो चौड़ा बेस करके चलता है। अच्छा। और थोड़ा सा डगमगाता रहता है, अपने बस संतुलन लगाने के लिए हाथ को ऐसे करके रखता है, तो शारीरिक संतुलन उसमें नहीं रहता है। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते जिसमें सब मिक्स वेराइटीज़ का होता है। डेंजरस की बात करेंगे तो ऐसा बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डिस्टोनिक सर्बल पाल्सी बच्चों में थोड़ा सा ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कितना भी कर लें वो उनका संतुलन पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बताया कि कोई भी हो, किसी तरह का भी हो, तो उसमें बहुत हल्की सी समस्या से लेकर बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो ये तो किसी में भी हो सकता है, स्पास्टिक में भी, डिस्टोनिक में भी, एटैक्सिया में भी। अटैक्सिया अक्सर क्या होती है, वो जेनेटिक कारण ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जिनको ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। अच्छा, अटॉक्सिया का ट्रीटमेंट है ही नहीं, मतलब मैंने अटैक्सिया मतलब जेनेटिक कारणों का, तो जेनेटिक कारणों का तो इलाज अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो अटैक्सिया की मैक्सिमम कारण जेनेटिक होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि माता पिता को कब एहसास हो जाता है कि उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बच्चों में 6 महीने के बाद और कई में 10 महीने के पहले ऐसा जब कारण लक्षण मिलते हैं तो उन्हें कभी एहसास हो जाता है कि उनके बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? अक्सर जिन बच्चों को बहुत हल्की फुल्की समस्याएं होती हैं तो उसमें डायग्नोसिस क्या होता है, 1 से 1.5 साल के बाद ही उत्पन्न मिल पाता है। जब वो बच्चा चलना है, खड़ा होना शुरू करते हैं, या तो हाथ पर तिरछे हैं, पूरा पंजा जमीन पर रख के नहीं चल रहा है। लेकिन सामान्यतः जो अधिकतर सर्बल पाल्सी बच्चे होते हैं, हम 5-6 महीने की स्थिति में हम पहचान सकते हैं कि नहीं इसको कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है सर्बल पाल्सी हो। कैसे पहचान सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, बच्चा माँ को देखे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, लाट टपक रही है जी। गर्दन नहीं रुक रही है, झटके आ रहे हैं, करवट नहीं ले पा रहा है, अलग अलग तरीके के उसके हाव भाव हैं, पोजीशन है, या शरीर में ढीलापन या टाइटपन है, तो उससे माँ बाप को थोड़ा सा तुरंत जागरूक हो जाता है, नहीं कुछ समस्या है, इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और डॉक्टर शुरुआती दिन में तो कन्फर्मेशन नहीं बताता, लेकिन सब कुछ हिस्ट्री मिल जाती है तो भी कुछ दिनों में उसको कन्फर्म करते, नहीं इसको सर्बल पाल्सी ही है। तो 100% इलाज है इसका, क्योंकि आपने जैसे लक्षण बताए। देखिए, इलाज के बारे में तो 100% वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि सर्बल पाल्सी क्या होता है, वो तो रहता जीवन पर्यंत, मैंने पहले भी बताया, इसको खत्म नहीं किया जा सकता ना। अच्छा। इरेडिकेट नहीं, खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, सही ढंग से यदि हम लोग मैनेज करें, उनके तौर तरीके पे हम लोग काम करें, उनको ट्रेनिंग दें, जो अत्याधुनिक सोच तौर तरीका हमारा है, तो ऐसे बच्चों को बहुत हद तक उनको हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। अच्छा। वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। इलाज नहीं बोलेंगे, उनको बोलो उनको अपने पैरों पे खड़े करने लायक बनाना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको एक्टिविटी जो हम जानते हैं सामान्य चीज़ों में, जो हम काम कैसे उठना बैठना, कपड़े पहनना, खाना पीना करना, पढ़ाई लिखाई, उसमें सब में ट्रेनिंग देंगे तो अपना काम करने लगेंगे, वही उसका वो इलाज होता है। और उसमें समस्याएं भी देखेंगे किस तरह की समस्याएं हैं, उसको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब से ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप बने रहे मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, हम अपनी चर्चा को डॉक्टर साहब के साथ आगे बढ़ाते हैं। सर, त्रिशला फाउंडेशन जो कि आप चलाते हैं, एक इतने फेमस डॉक्टर जिनसे देश विदेश से लोग इलाज करवाने के आते हैं, तो वो डॉक्टर त्रिशला फाउंडेशन के ज़रिए पीसी मतलब सॉरी सर्बल पल्सी के लिए क्या नया लेके आ रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं मरीजों के लिए? देखिए, तो आपको हिस्ट्री बताएं हम, सर्बल पल्सी
के लिए मैंने 2005 से काम शुरू किया, जब चंडीगढ़ से आया, मेडिकल कॉलेज में थे यहाँ पे, फिर प्राइवेट में आए, देखा बहुत सारे बच्चे जो सर्बल पाल्सी से प्रभावित हैं, उनको कोई इलाज नहीं मिल पाता था, और हम लोग भी बैठ करके जो मेडिकल कॉलेज या PGI में थे, तो अक्सर होता था जाइए एक्सरसाइज कराइए, फिजियोथेरेपी कराइए, ये जीवन पर्यंत रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये सामान्य सी भाषा थी, होती थी, और वो आजकल भी बनी हुई थी। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो मेडिकल साइंस में होगा जी, लेकिन क्योंकि सर्बल पाल्सी क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, बहुत सारी समस्याएं बच्चों में होती हैं, तो अब एक ठीक करो दूसरा छूट जाए, दूसरा ठीक करो तो तीसरा छूट जाए, और इतनी सारे फैटर्निटीज़ को मेडिकल टीम को इकट्ठा करना इज वेरी डिफिकल्ट। दूसरा, पेरेंट्स को जिसके घर में ऐसे बच्चे हैं, उनको जीवन पर्यंत ऐसे बच्चों के साथ लगना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत लंबा काम है। 2005 में शुरू किया, धीरे धीरे काम शुरू हुआ, नई नई चीज़ें लेकर के आए, बहुत सारे रिसर्च हमारे चले, विदेशों में जो बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं उनका एनालिसिस हम लोगों ने किया, टीम तैयार किया। तो शुरू में संवेदना ट्रस्ट स्टार्ट हुआ 2005 में, फिर 2000 इसको विस्तार देने के लिए 2014 में त्रिशला फाउंडेशन को शुरुआत हुई। लेकिन जब 2005 से हमने काम शुरू किया, तो जो स्पीड हम लोगों ने पकड़ी, पेरेंट्स की काउंसलिंग, नई नई चीज़ों के बारे में सोचना, बहुत सारी जो हमारी इनोवेटिव आइडियाज़ यहाँ पे हैं, जैसे योगा है जी, उनकी ट्रेनिंग के लिए है, पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, और आप बिलीव नहीं कर सकते हैं जो आज की स्थिति है, जो पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ तो देश का कोई कोना नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, कोई स्टेट नहीं छोटा होगा जहाँ से बच्चे ना हों, विदेशों से कम 15-16 कंट्री से बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। ऑनलाइन माध्यम के, ऑनलाइन के थ्रू हमारे पास बहुत सारे NRIs, बहुत सारे कंट्रीज़ के बच्चे जुड़े हुए हैं, 2500 कंट्रीज़ के बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे पास, और हजारों, मैं बोलूँगा मोर देन 50,000 बच्चों को मैं आज तक देख चुका हूँ मैं। और उसमें हम लोगों ने क्या किया कि उन लोग को मल्टी मॉडल पे गए, उनको बैठना, उठना, चलना, फिरना तो काम करना था, जो उनकी समस्या है उनके साथ थेरेपी कराना, उनके लिए स्पेशल ब्रेसेस का अरेंजमेंट करवाना, बोलने की समस्याएं जो अक्सर बच्चों में आती है, 90% बच्चों को यहाँ बोलना आ जाता है थेरेपी के बाद, चलना फिरना उठना नहीं आता, वो सब बच्चों को आ जाता है। पढ़ाई लिखाई पर हम लोग बहुत विशेष फोकस करते हैं, क्योंकि ये देखा गया कि मेंटल रिटार्डेशन केवल 100 में 30 बच्चों को होता है, 30 से 40 मैक्सिमम होगा, लेकिन अक्सर ये होता है कि उनको जब स्कूल गए नहीं, उनको आपने कोशिश की नहीं, तो पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, उनको आपने घोषित कर दिया कि मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटल होता नहीं है। केवल एक होती है कि उनको एक सही रास्ता दिखाना और उनको मोटिवेट करते रहना, क्योंकि जिस घर में एक बच्चा है तो डिमोरलाइज तो ऑलरेडी हो रखा है, उनको बार बार चीज़ों को बताएंगे नहीं, गाइड नहीं करेंगे, उनको लगेगा बच्चा मेरा फायदा हो गया, तो कोई भी पेरेंट्स मेरे साथ दुनिया में नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा ठीक ना हो, काम जरूर करेंगे। तो हम लोगों ने निर्धारित किया कि यहाँ पे 2 बार सेंटर पे थेरेपी हो, आधे घंटे होते हैं, फिर पेरेंट्स आधे घंटे करते हैं, घर पे जाकर के बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनको करना पड़ता है, जो एक्टिविटीज़ है डेली लाइफ पे, जैसे कपड़े पहनाना, खाना खाना है, हाथों से काम कराना, उठना बैठना, टॉयलेट की ट्रेनिंग है, पढ़ाई लिखाई कर, सब पे काम करना पड़ता है। अच्छा। उसके अलावा समय समय पर हम लोग ऑनलाइन सेशन लेते रहे, जैसे अभी की बात करेंगे तो हर थर्सडे को जूम पे मीटिंग्स होती है। अच्छा। तो पेरेंट्स की समस्याओं को सुनना, उनको गाइडलाइंस लेना, तो बहुत सारे लेक्चर्स हम लोगों ने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, क्योंकि सर्बल पासी में नॉलेज है ही नहीं जी, ना सोसाइटी में है, ना डॉक्टर्स को है अक्सर होता है, ना पेरेंट्स को है, तो नई नई इन्फॉर्मेशन देना, सही नॉलेज क्या है, सही क्या है, गलत क्या है उसके बारे में। तो ये त्रिशला फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ा एक इनपुट था इस देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि सर्बल पाल्सी के बारे में एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर देना जिस पर बच्चों, जो ऐसे बच्चे हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस रिसर्च जो हमारे वर्ल्ड में चल रही है उसका अपडेट करके रखना, और हमारी टीम भी रेगुलर अपडेट होती रहती है, उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। इसका परिणाम क्या हुआ कि त्रिशला फाउंडेशन में आने वाला परिवार जी, मैं बोलूँगा मोर देन 99% आर मोर देन सेटिस्फाइड। अच्छा। रिजल्ट तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए दो, मैंने भी बोला कि 10% ऐसे बच्चे जिनको हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, तो 10% छोड़ दें, तो जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा आउटकम है उससे कहीं बेहतर आपको त्रिशला फाउंड से मिल जाएगा। मैं बोलूँगा 80% बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, 10% बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, 10% बच्चों को केवल हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि कैसे उनको जीवन पर्यंत लालन पोषण करें और कैसे उनका हेल्थ अच्छा रखें। तो ये बहुत बड़ा एक त्रिशला फाउंड अचीवमेंट है। तो सर, ये सेरेब्रल पल्सी के मरीजों के लिए पुनर्स्थापित करने के लिए, मतलब क्या देश में उपाय इनफ हैं? नहीं, हमारे देश में लगभग
30 से 35 लाख बच्चे हैं जी। और इलाहाबाद की बात करेंगे, प्रयागराज की बात करेंगे, तो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन सिटी बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, बॉम्बे, चंडीगढ़, हर जगह से बच्चे आते हैं जी। और उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनमें जो काम किया गया है, आई डोंट थिंक सो दे आर दैट गुड। तो मतलब वहाँ सेंटर फैसिलिटीज नहीं है, तभी तो यहाँ पे आए वो। और मैंने बताया कि नॉर्थ से साउथ, साउथ ईस्ट से वेस्ट, कहीं किसी कोने में चले, वो सब बच्चे यहाँ पे आते हैं। मतलब वो फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं है, तो ही बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं जी। तो जो फाउंडेशन कर रही है, ऐसी फैसिलिटीज है कि उन्हें, फैसिलिटीज है, लेकिन वो डेडिकेशन, उस तरह का काम, उस तरह का गाइडलाइन देना अधिकतर सेंटरों पर पॉसिबल नहीं हो पाता, और अभी तक है भी नहीं। कोशिश भी तो लगे हैं कि स्पेशलिस्ट आकर ट्रेनिंग लें, वहाँ पे करें, पेरेंट्स जाएंगे तो वो लोग मोटिवेट करेंगे, लेकिन देखिए भविष्य में क्या होता है। सर मतलब कि आपके हिसाब से और क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी होनी चाहिए इसके क्योर के लिए? देखिए क्योर की बात, हम फिर मैं बोलूँगा क्योर नहीं होता सरबल पासी, लेकिन हाँ जैसे क्या क्या होनी चाहिए, ऐसे जैसे बच्चों के लिए जो हमारा सेंटर जैसे यहाँ पे है, मल्टी मोडलिटी है, मतलब योगा है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रेनिंग लाइफ की उनकी वो है, स्पोर्ट ग्राउंड हैं, बड़े हो गए लोगों के लिए जिम उस तरह से स्पेशलाइज बनाना पड़ेगा उनके लिए, जैसे बहुत सारे जो व्हील चेयर्स होती हैं, असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं। दूसरा जो हमारे सोसाइटी में सोच है कि ऐसे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, मेंटल रिटार्ड, वो सोच हटानी पड़ेगी। स्कूलों में अक्सर ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है, वो सबसे बहुत गलत बात होती है, क्योंकि 100 में 70% बच्चे तो सामान्य होते हैं। और गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन भी है कि कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी बच्चा हो उसको सामान्य स्कूलों में ही पढ़ना लिखना है, लेकिन अक्सर ऐसे बच्चों को एडमिशन डिनाई कर दिया जाता है। तो ये सब तक जब तक बदलाव नहीं आएगा, हमारे स्पेशली ट्रेंड नहीं होंगे, जब तक जागरूकता सोसाइटी में नहीं आएगी, तो बहुत कुछ चेंज करना पॉसिबल नहीं है। सर एक बात जानना चाहूँगी, गाँव में जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं तो उसमें सेरेब्रल पॉलिसी की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, ये बात कितनी सही है? देखिए दो एंगल से मैं देख बताना चाहूँगा कि सेरेब्रल पॉलिसी के बहुत सारे कारण हैं। सामान्य डिलीवरी हो या सिजीरियन हो या हो, जो अभी तक देखा गया जो सेरेब्रल पॉलिसी के जो मेन कारण होते हैं, उसमें से सबसे प्रमुख कारण है प्रीमेच्योर, जन्म समय से पहले पैदा हो जाना जी। वजन कम होना, जो बच्चे 1.5 किलो से 1 किलो 800 ग्राम से कम होता है उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। तीसरा जो एंटीनेटल चेकअप होता है, एंटीनेटल हेल्थ, उनकी मदर की अच्छी नहीं है, खाना पीना ठीक नहीं रहा है, तो उनमें ज़्यादा होता है। इन्फेक्शन हो गया या गांव में डिलीवरी हुई, उसमें बच्चे को ऑक्सीजन की कमी को तुरंत ऑक्सीजन नहीं मिल पाया जी। तो वो स्वाभाविक है कि उसमें ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल गांव में जो डिलीवरी उसी की वजह से होता है। यूएसए की बात करें, वहाँ पर भी 1.5 मिलियन माने 15 लाख बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम परसेंटेज है, लेकिन हाँ वो एक कारण है कि जो गांव में डिलीवरी होती, अनअटेंडेड डिलीवरीज होती हैं, बर्थ के समय ऑक्सीजन नहीं मिला, तो उसके कारण से हो सकता है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती तो है। तो सर ये मतलब कि जैसा कि आपने बताया कि जेनेटिक्स भी होता है, जेनेटिक भी होता है जिसका इलाज कम है, तो मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं जेनेटिकली, क्या ये भी सेरेब्रल पॉलिसी के उसमें आ सकते लाइन में? देखिए सेरेब्रल पॉलिसी में जो हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर को नहीं इंक्लूड करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आता है कि डिलेट डेवलपमेंटल माइलस्टोन का, तो उसको हम लोग सेरेब्रल पॉलिसी से अलग कर देते हैं, क्योंकि सेरेब्रल पॉलिसी तो टोटली हम लोग माने नेटल इंसिडेंस होता है। नेटल इंसिडेंस का मतलब माने एस्फिक्सिया, ऑक्सीजन की कमी के कारण को लेते हैं। तो लेकिन लगभग प्रेजेंटेशन उसी तरह से होता है, क्योंकि जेनेटिक कारण को ठीक नहीं कर सकते, उनको लाइफ नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो सेरेब्रल पॉलिसी बच्चे होते हैं उनको हम बहुत बेहतर बना सकते हैं। मतलब मेंटल डिसऑर्डर भी नहीं आता है? दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, इनके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, जैसे ऑटिज्म होता है जी, सेरेब्रल पॉलिसी साथ बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, लेकिन ऑटिज्म सेरेब्रल पॉलिसी से टोटली डिफरेंट होता है, वो एक अलग एंटिटी है, उसका सेरेब्रल पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, ये होता है। सर आप बीइंग अ डॉक्टर, एक उस बच्चे को जो कि इस बीमारी से जूझ रहा है, उसे डायग्नोज कैसे करते हैं, कैसे टेस्ट वगैरह होते हैं इसके? देखिए अक्सर मेरी बात करेंगे तो अक्सर हम बहुत ज़्यादा जो कॉस्टलियर जो जांचें होती हैं उससे हम बचते हैं। अच्छा, क्योंकि सेरेब्रल पॉलिसी क्या होता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, बच्चे को देख करके, समझ के, बूझ के, उसकी हिस्ट्री ले करके उसी से डायग्नोसिस बनाते हैं। कभी कभी जांच की ज़रूरत पड़ती है, वो है MRI। MRI केवल होता है डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन के लिए, मतलब कोई और कारण ना हो जिसकी वजह से ये डिले डेवलपमेंटल माइलस्टोन हुआ है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है
कि 100% बच्चों का MRI ऑलरेडी हो रखा हुआ होता है, वो इसीलिए क्योंकि अक्सर लोग कहते कोई और कारण तो नहीं है, वो देख लें कितनी सीवियरिटी है, लेकिन उस MRI में सर्वल पालसी निकलता है उसकी, जिसके वजह से एस्फिक्सिया की वजह से हुआ, तो उसमें ट्रीटमेंट में बहुत असर नहीं पड़ता है। और दूसरा है, हमको डाउट लगता है कि कोई हिस्ट्री प्रॉपर मिल नहीं रही है जेनेटिक कारणों का, तो जेनेटिक काउंसलिंग के लिए उसको भेजना पड़ता है जेनेटिक असेसमेंट करने। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे कि सेरेब्रल पल्सी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कई अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, फिजियो हो गया, साइकियाट्रिस्ट वगैरह, तो क्या आपके त्रिशला फाउंडेशन जो है वो ये सारी चीज़ें उनको अवेलेबल कराती है? जी, त्रिशला फाउंडेशन जो एक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि इसमें जो भी हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा। तो वो जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उन पैसों का इस्तेमाल उस ट्रस्ट को पूरे को चलाने में किया जाता है, जो ट्रस्टीज़ हैं उनके पास नहीं जाता है। दूसरा, हम लोग गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते हैं और ना डोनेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। जी। हमारे पास क्या है, अभी देखा जाए प्रेजेंट स्थिति में हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, ऑर्थोटिक्स हम लोगों ने हायर कर रखा तो वहाँ पे वो बन जाते हैं। मैं बेसिकली खुद पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। डॉक्टर वारिकमाला जैन जो सेक्रेटरी हैं वो एक कम्युनिटी मेडिसिन की हेल्थ हैं, तो काउंसलर और जो भी डाइट की प्रॉब्लम्स हैं और जो भी चीज़ें हैं, एट किसी पेरेंट्स को बच्चों को और भी किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए बहुत सारे लोग न्यूरोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, तो उनके प्राइवेट क्लिनिक उनको भेजना पड़ता है। ट्रस्ट में ऐसे कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन उनका जो टोटल केयर है वो हो जाता है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग, हमारे जो हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट के, उनके कंसल्टेशन लेते हैं हम लोग। सर, आप एक समाज सेवी भी हैं, विकलांग क्रिकेट मैचों का आयोजन भी आप करवाते हैं, तो आपके हिसाब से लोगों का क्या नज़रिया होना चाहिए ऐसे पेशेंट्स के लिए? देखिए, नज़रिया क्या, सामान्य तरीके से लेना चाहिए उनको भी। ये कोई विकलांग बच्चे नहीं हैं, ये तो ठीक है बच्चे हैं, थोड़ा सा एक स्पेशल नीड है, एक नॉर्मल बच्चों में अलग से भिन्नता है। हम आप सभी तो एक दिखा देखो सामान्य कौन है, सामान्य की परिभाषा देखी जाए नॉर्मलसी की, तो परिभाषा तो देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल होगा जिसको कोई भी समस्या ना हो, किसी को आँख की समस्या हो, किसी को पैर की, किसी की पेट की, किसी की रुकने, आज नहीं है कल होगा। तो इन बच्चों को अलग नज़रिए से देखने का कोई मतलब ही नहीं है, ये सामान्य बच्चे हैं, इनकी एक थोड़ी सी समस्या है, उसको उस तरह से गाइडलाइन करके उनको समाज की मुख्य भूमिका में जोड़ दिया जाए, दैट्स ऑल। मेरे को अलग से एंटिटी देना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि विकलांग है, विकलांग केंद्र है, विकलांग हमारा मैच है, ये वो एक अलग तरीके की वो है, उसको सामान्य पहचान की तरह से देखना चाहिए। तो एक उसमें कोई किसी तरह का कोई सेपरेशन नहीं होगा। जैसे अक्सर हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि जो दो बच्चे आपके घर में, एक सामान्य बच्चा है, एक सर्वल पालसी का है, तो दोनों को सामान्य तरीके से देखें। यदि आपने सर्वल पालसी बच्चे को एक स्पेशल तरीके से देखा, यदि बुद्धि उसकी सामान्य है, तो बच्चा वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, वो अपने आप को स्पेशल समझने लगेगा, क्योंकि वो तो बच्चा है, उसको जैसे फील देंगे उस तरह से उसका माइंड डेवलपमेंट होगा। तो दोनों बच्चों को एक धारा पे लेकर जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं कि सामान्य स्कूलों में ऐसे बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि वो बच्चा जो सामान्य है वो इनको देख करके वो देखे कि अरे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और जो विकलांग दिव्यांग बच्चा है वो सामान्य बच्चों को देखे कि हम भी उसी का पार्ट हैं। तो एक मिक्सअप जो होता ना, एक जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप है उसको सामान्य तरीके से लेके देखे तो बहुत अंतर पड़ता है। सर, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए सेरेब्रल पल्सी के क्षेत्र में? देखिए, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं, नेशनल ट्रस्ट है, यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एजुकेशन है, सब अपना काम कर रही हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ समाज में जो मैंने बताया कि सोच की, समाज में विशेषज्ञों की ट्रेनिंग की, समाज में जो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट होने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, हमको त्रिशला फाउंडेशन को उसमें देख करके मेरे को याद आया जी। कि जैसे हम लोगों की बात करें, हम लोग यहाँ पे त्रिशला CP गांव बना रहे हैं। अच्छा। प्रयागराज में, तो क्योंकि क्या है, ये प्रयागराज एक EP सेंटर बन गया है सर्वल पालसी बच्चों के लिए। मैं बोलूँगा विश्व का जितने भी बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं सर्वल पालसी जिनको, वो हर बच्चा हर व्यक्ति आना चाहता है कि एक बार प्रयागराज तो विजिट करना चाहिए, ऐसा सेंटर बन गया है। अच्छा। तो अभी जैसे हमारे पास 250 से 300 फैमिलीज यहाँ पे रुके हुए हैं, और वेटिंग लिस्ट में देखा जाए तो 300 से 400 पेरेंट्स वेटिंग लिस्ट में होंगे, वेटिंग लिस्ट में चल रहा है। और बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते यहाँ पहुँच पाए। तो गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट को तो ये चाहिए, या जो भी मंत्री हैं, जो भी विधायक है, जो भी
विभाग है कि ऐसे सेंटरों जैसे त्रिशला फाउंडेशन से कुछ लेकर के इनपुट लेकर के ऐसे तमाम सेंटर देश के कई भागों में डेवलप होना चाहिए, जैसे वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज हो पाए, लोगों को यहाँ आना ना पड़े, वो वहाँ पे मैनेज हो जाए, या त्रिशला फाउंडेशन से गाइडलाइन लेकर के वहाँ से उस तरह करके अंडर कर उस सेंटर को डेवलप करना चाहिए। तो ये सरकार की ज़रूरत तो है बहुत। सर ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी देते हैं तो क्या, हाँ एक सेकेंड, तो क्या जो सेरेब्रल पल्सी के पेशेंट्स हैं वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि ऑफलाइन ट्रीटमेंट ऑनलाइन काफ़ी फ़र्क हो जाता है। इसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट की बात करें जी तो सबसे पहले कोरोना का नाम आता है। हाँ जी सर, कोविड 19 ने बहुत कुछ सिखा दिया इस दुनिया को कि हम घर में बैठ करके भी दुनिया के हर जगह पर पहुंच सकते हैं, काम कर सकते हैं। पहले हम लोग वर्चुअल माध्यम से बचते थे, कैसे हो पाएगा, बच्चों को कैसे देख पाएंगे, कैसे गाइड कर पाएंगे, लेकिन जब कोविड 19 आया बहुत सारे पेरेंट्स के पास हम पहुंच नहीं सकते थे, वो यहाँ पे आ नहीं सकते थे, थेरेपिस्ट हमारे बैठे हुए थे, तो कैसे क्या किया, उसी समय हम लोगों ने इसकी शुरुआत की ट्रायल मोड में। जैसे मैंने पहले बताया कि सरब्रल पाल्सी बच्चों का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है, हम नहीं ठीक कर सकते हैं, कोई थेरेपिस्ट नहीं ठीक कर सकता है, वो ठीक कौन कर सकता है, वो पेरेंट्स, क्यों, समय 24 घंटे ईश्वर ने दिया दिन में, 24 घंटे में चलो मान लिया कि 8 घंटे 9 घंटे बच्चा सोता है तो 12 घंटा तो एक्टिव रहता है, लेकिन उस 12 घंटे को इस्तेमाल करेगा इस्तेमाल कौन, पेरेंट्स, तो उनको ट्रेनिंग प्रॉपरली दी जाए तो बच्चे बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं। तो ऑनलाइन क्या उस सरब्रल पाल्सी के इलाज में कोई दवाइयाँ नहीं होती हैं, दवाइयाँ तो उन बच्चों में जो छटके आते हैं उनको दवाइयाँ होती हैं, उनके लिए जो बच्चे काम नहीं कर पाते हैं उस स्पेसिफिक वर्क में उनको ट्रेनिंग देना है, और ट्रेनिंग तो बस हमको उनको गाइडलाइन देना है कि कैसे बच्चे को बैठाना है, कैसे उठाना है। हम लोगों ने क्या किया, एक स्टूडियो डेवलप किया, स्टूडियो में एक जूम मीटिंग में करके बहुत सारे उसे मॉडल ला के रखे, मॉडल में हमारे जो सीनियर मोस्ट थेरेपिस्ट हैं जिनको गाइडलाइन एक स्पेसिफिक गाइडलाइन बना दिया गया, सामने दूसरी तरफ जूम मीटिंग पे पेरेंट्स होते हैं तो उनको उस मॉडल पे करके बताया जाता है कि बच्चे देखिए गर्दन नहीं रुकती तो कैसे रोकना है, 1 2 3 4, बैठना नहीं आता तो उसको कैसे कैसे करना है, जो वो कर सकता है, और उसके लिए किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, जो घर में अवेलेबल चीज़ें, स्टूल है, क्या कहते हैं तकिया पिलो है, मशंड है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, बॉल है, टॉयज हैं, इन सब से ही हम लोग थेरेपी करवा देते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अब तक लगभग 2500 फैमिली ज्वाइन कर चुकी है, और जिन पेरेंट्स ने अब तक ज्वाइन किया है किसी एक की शिकायत नहीं कि डॉक्टर साहब मैं नहीं कर पाया। अच्छा, काफी पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव नहीं, बहुत सारे बच्चे सामान्य हो गए हैं। ओ भाई। और बहुत सारे बच्चे सामान्य छोड़ दीजिए, हमारे पास यूएसए के 3 बच्चे चल रहे हैं, मलेशिया का 1 बच्चा है, अफ्रीका का है, और यूके के बच्चे हैं, उन सबको स्थिति देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, जो बच्चा गर्दन नहीं रुकता था आज खड़ा हो ले रहा है, बैठ ले रहा है, माने यूएसए से यहाँ कनेक्ट हो रहा है। हाँ। तो ये उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वो ऑनलाइन का केवल ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग जो पेरेंट थोड़ा सा एजुकेटेड इंटरेस्ट लेते डेडिकेटेड तो जरूर कर सकते हैं। सर इस बीमारी में ऑपरेशन की नौबत कब आती है? अक्सर क्या होता है ना, बहुत सारे सेंटर देश में, हम कहना नहीं चाहिए, अक्सर सरब्रल पाल्सी बच्चा हुआ पैर से ऑपरेट कर दो, सरब्रल पाल्सी का इलाज सर्जरी नहीं है, सर्जरी की जरूरत 100 में 2, 4, 5 बच्चों को आती है। अच्छा। और वो उस अवस्था में आती जब बच्चा अपना कार्य कर लेता है, उठना बैठना चलना फिरना शुरू कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जैसे पैर तिरछे हो गए हैं, मुड़े हुए हैं, सख्त बहुत हैं, जिनका कसरत ब्रेस से काम नहीं हो पाता है, हाथ पैर तिरछे हो गए हैं, उन अवस्था में ही केवल ऑपरेशन करना पड़ता है। एक अवस्था और होती है जिसमें कूल्हा उतर जाता है जी। अन्यथा 100 में 90 से 95% बच्चों को केवल थेरेपी, केवल ब्रेसिंग की ही जरूरत पड़ती, किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। 5% बच्चे मैं बोलूँगा मैं जिनको सर्जरी जरूरत। सर एक ऊंचा तबका इलाज करवा सकता है, मिडिल वाले भी इलाज करवा सकते हैं, गरीबों का क्या, अगर उनके बच्चे इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो वो इलाज कैसे करवा सकते हैं, वो क्या वो भगवान की मर्जी मान के बैठ जाएं कि हमारे बच्चों का इलाज होने से रहा, उनके लिए क्या, इन बच्चों के इलाज में खर्चा है कहाँ, इन बच्चों के इलाज में खर्चा है कहाँ, केवल हमारी सोच का फर्क है, दवाई है नहीं तो, दवा जब है नहीं तो पैसा कहाँ लगेगा, पहली चीज़। ऑपरेशन होना नहीं है, 100 में 5%
और जिनका ऑपरेशन होना है भारत सरकार की एक नेशनल ट्रस्ट है उसके द्वारा ऑपरेशन के लिए 45,000 रुपये तक दिया जाता है, वो कम हो गया। अब पैसा कहाँ खर्च होता है थेरेपी में? अरे मैं बोलता हूँ कि आप खुद, पेरेंट्स कहता हूँ कि ट्रेनिंग आप खुद लें, और मैंने पहले भी बोला कि पेरेंट्स यदि जागरूक नहीं हुआ, वो डेडिकेटेड नहीं हुआ, उसने काम नहीं सीखा, तो बच्चा ठीक कैसे होगा? तो ऐसे बच्चों के इलाज में पैसे खर्च की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। हाँ ज़रूरत पड़ती है, क्या है, जैसे उसको ट्रेनिंग लेनी है जी। तो प्रयागराज आकर उसको रुकना पड़ेगा या ऑनलाइन सेशन ले, कमरा किराए पर लेना पड़ेगा तो किराए मकान उसको लेना पड़ेगा, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो महीना भर, दो महीना, तीन महीना, उसको तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि त्रिशला फाउंडेशन जो काम कर रही है बिना किसी गवर्नमेंट सहायता के, मैं बोल रहा हूँ सामने, किसी तरह के कोई गवर्नमेंट की सहायता नहीं लेते हैं, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कोई फंडिंग नहीं है, डोनेशन नाममात्र का है। सीपी गांव बन रहा है जिसमें हम लोग खुद 100 फैमिलीज के लिए अभी बनवा रहे, 500 फैमिली को रुकने की व्यवस्था है। अच्छा। वो भी जो बच्चों के पैसे मिलते हैं उसी में निकाल के वो पैसा उसमें डाल करके बनवाया जा रहा है। तो देखा जाए तो इन बच्चों के इलाज में खर्चा है कहाँ? खर्चे हैं थोड़े बहुत थेरेपी सीखने के लिए, जूता बनवाने के लिए, रुकने के लिए। अच्छा। लेकिन समाज का किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है तो हम वो हेल्पलेस हैं। कुछ पावर पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है जी जी। हम लोग कोशिश करते हैं हेल्प लेने देने के लिए, लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन है क्योंकि हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारे पास 40 का स्टाफ है और जो रियली बहुत पुअर है उनको हम हेल्प करके थेरेपी जल्दी करा करके सिखा करके भेज देते हैं, वो जाके घर पे करते हैं, वो भी बेहतर हो जाते हैं। लेकिन सोच बदलने की ज़रूरत है दोनों तरफ से। ये ना सोचे कि बहुत महंगा इलाज है, सोसाइटी को भी थोड़ा सा हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे। सर एट लास्ट मैं अगर कुछ स्किप कर रही हूँ और सीपी के बारे में हो जो आप मेरे दर्शकों को बताना चाहते हो? मेरे को नहीं लगता कोई बात छूटी होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया कि सरबल पालसी कैसे पहचाने, उनका इलाज में बता दिया कि अभिभावकों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, उनको खुद को मेहनत करना ज़रूरी है। अभी मैं एक एग्जांपल ऐसे में नाम नहीं लूँगा, मैं दिल्ली के पेरेंट्स हैं, उन्होंने चार महीने ऑनलाइन किया और जो बच्ची बैठती नहीं थी, गर्दन नहीं रुकती थी, कुछ नहीं था, बैठने लगी, बहुत जोश में आया, दो महीने इलाहाबाद आया, ट्रेनिंग लिया। मैंने कहा कि अब आपको जाना है, एक महीने और रुके, नहीं डॉक्टर साहब एक दो महीने, हमने कहा नहीं अब तो जाना पड़ेगा आपको। और आज वो बच्ची स्कूल जा रही है, पढ़ लिख रही है, सामान्य बच्चों की तरह है। तो हुआ कैसे? क्योंकि वो पेरेंट्स का एजुकेशन, उनका डेडिकेशन, और वो एक एग्ज़ाम्पल है, ये एक एग्ज़ाम्पल है, हमारे पास सैकड़ों और हज़ारों एग्ज़ाम्पल हैं जो अपने बच्चों को सामान कर ले गए हैं। केवल समाज का नज़रिया अभी भी नहीं बदला है, मेरे को नहीं पता कब बदलेगा, कब ऐसे बच्चों पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए लोग आगे आएंगे, खड़े होंगे। त्रिशला फाउंडेशन हम 15 सालों से काम कर रहे हैं लेकिन लोगों की हेल्प की जो हाथ बढ़ाने की टेंडेंसी वो बहुत कम है। पैसा अभिभावकों से लिया जाता है क्योंकि उस पैसों का इस्तेमाल फाउंडेशन के कार्यों के लिए लगता है, उन पेरेंट्स के लिए लगता है जैसे उनकी लाइफ के लिए बेहतरी काम कर सकें। लेकिन हम, मेरी सभी समाज के सभी लोगों से गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, फाउंडेशन के साथ जुड़ें, इन बच्चों को एक नज़रिया दिखाएं, स्कूल वाले जितने लोग, जो भी आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे बच्चों को एडमिशन दें। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, उन बच्चों की खुशी भी चेहरे पर कि आज वो टॉप कर रहे हैं अपने बैच में, जो बच्ची कुछ नहीं कर पाती थी, ये अभी भी इलाहाबाद रुकी है वो, और उसके पेरेंट्स बच्चे को देख करके क्या खुशी होती है मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों से एक काफ़ी गंभीर समस्या हो जाती है जिन्हें पता नहीं है सीपी के बारे में, इसके बारे में जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये अभी आपने सुना डॉक्टर जेके जैन जी को, जिन्होंने बताया सेरेब्रल पल्सी क्या होती है, कैसे कारण होते हैं, कैसे लक्षण होते हैं, और माँ बाप इसका इलाज अपने बच्चों के लिए कैसे करवाएँ। हम आपको ऐसे ही लोगों से रूबरू करवाते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।